So I will tell you this story of Guru Nanak Dev Ji and Mardana Ji. So Guru Nanak Dev Ji pura vishv mein ghumte rehte the, bhraman karte rehte the, sant log. Aur unke saath Mardana Ji rehte the, jo unke saath kafi unhone saath diya. And then there was a time when he was going to ek gaon ke paas. To gaon mein jab wo pahunche ekdam boundary ke paas, before entering inside, to logon ne unko andar hi nahi aane diya. To us specific gaon ke आप तो अंदर नहीं आ सकते. बाबा जी ने बोला भी क्यों जी. Then they said that, you know, we don't allow संत and संत लोगों को हम अलाउड नहीं करते. साधु संत ये वो सब आप बाहर ही रहिए सिटी से. We don't know who you are, what you are, how you will do. It is a night time, you know, unsafe लगता है. तो आप बाहर ही रहिए आप. Then they, no, they were not allowed to go inside. They were not given a food or anything. They were not given a shelter or anything. They were just sitting outside of the boundary of that village. और एक पेड़ के नीचे बैठे उन्होंने पूरी रात बिताई. उस सुबह जब जाने के लिए उठे तो दे वर अबाउट टू लीव एंड देन बाबा जी टर्न टू दी विलेज अगेन और उन्होंने मुड़ के एक आशीर्वाद में अपने हाथ उठाए. वो बोला कि वसदे रहो. मर्दाना जी ने देखा तो वसदे रहो मीनिंग इज यू नो स्टे ब्लेस्ड और स्टे देयर. ये एक आशीर्वाद माना जाता है. तो मर्दाना जी थोड़ा हैरान हुए कि जिन लोगों ने आपका सेवा भी नहीं किया, आपको खाने को नहीं, सोने को बेडशीट नहीं दी और आप पूरी रात कष्ट में रहे, उन लोगों की वजह से उन्होंने आपकी केयर नहीं करी, आप उनको इतना आशीर्वाद दे रहे हो, स्टे ब्लेस्ड वस दे रहे हो. तो बट मर्दाना जी ने सोचा कि शायद बड़े लोग हैं, बड़ी बातें. तो कहते हैं कि भगवान जो है वो अपनी खुद की बात को जानते हैं. लेट्स नॉट क्वेश्चन देम, लेट्स सी. फिर वो लोग चले, पूरी रात दिन चलते रहे. फिर एक रात आई, देन अगेन देयर वाज अनदर विलेज. अगला गांव जैसे ही आया तो गांव की बाउंड्री पे पहुंचे ही थे वहां पे, तो देन कुछ लोगों ने उनको देखा और आके पैर छूने लग गए उनको. तो बड़े प्यार से उन्होंने अपने एक घर में वहाँ पे कम्युनिटी हॉल वहाँ पे ठहराया, उनकी सेवा भी वहाँ करी, अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छा ओढ़ने को दिया, अच्छा सोने को दिया. इट वाज लाइक यू नो अमेजिंग. मर्दाना जी वाज वेरी हैप्पी. गुरु जी रिलैक्स. तब रात को बहुत अच्छी सेवा. सुबह जब उठे बाबा जी के जाने का टाइम आया तो उन्होंने अलविदा ली सबसे. और जैसे ही वो बाउंड्री के पास पहुंचे तो बाबा जी अगेन ही टर्न टू दी विलेज और उन्हें आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ. अगर इसका मीनिंग समझे तो इट इज लाइक यू गेट स्प्रेड. उजड़ जाओ तो बद्दुआ ही मानी जाती है, इट इज बद्दुआ. सो मर्दाना जी वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड नाउ अब रोक नहीं पाए अपने आप. उन्होंने कहा बाबा जी एक बात बताओ, कल जहां जिस गांव में गए थे उन लोगों ने आपको बिल्कुल भी सेवा नहीं करी, आपका ध्यान नहीं रखा, आपने फिर भी उनको आशीर्वाद दिया कि बस दे रहो. अब जब इस गांव के लोगों ने आपका इतना ध्यान रखा है, आपकी इतनी सेवा करी है, आप इनको आशीर्वाद दे रहे हो कि तो उजड़ जाओ, उनको आपने बोला बस दे रहो, ये क्या हुआ? जो बुरे थे आपको उन्होंने आशीर्वाद, आपने उनको आशीर्वाद दिया बस दे रहो, जो अच्छे लोग थे उनको आप कह रहे हो उजड़ जाओ. तो बाबा जी मुस्कुराए एंड देन ही सेड दैट मर्दाना देखो, जो लोग एक संत की इज्जत नहीं कर पाए, रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, ट्रस्ट नहीं कर पाए, वो लोग जहां भी जाएंगे गलत चीजें फैलाएंगे. जो वो करते हैं, जो है वो वैसा ही बातियों को बनाने की कोशिश करेंगे. इसलिए अच्छा है कि वो जहां है वो बसे रहे. इसलिए मैंने उनको कहा बस दे रहो. जब मैं अगले विलेज में आया उन लोगों ने कि जो उनका जो ट्रस्ट था मुझ में, जो रिस्पेक्ट, दैट वाज अमेजिंग. उन्होंने बहुत सेवा करी, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो इम्यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी है, चलती आ रही है, जो सीखा उन्होंने अपने संस्कारों, दैट वन इज यू नो शुड गो एंड गेट स्प्रेड इन द वर्ल्ड एज वेल. पीपल शुड सी दैट, पीपल शुड लर्न फ्रॉम दैम. इसलिए मैंने उनको बोला कि आप उजड़ जाओ. नाउ सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ दिस स्टोरी एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट दैट इन योर लाइफ. व्हेन यू आर फेसिंग स्ट्रेस यू कैन इंप्लीमेंट इन वेरी. आप जो लोग आपकी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, यू हैव टू टेल देम टू स्टे देयर एंड यू शुड मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट इट गो. जो लोग आपको समझते हैं आप उनको साथ लेके आगे बढ़िए, उनके साथ रहिए. कहते हैं ना संगत का एक असर हो, तो सेम पीपल, दोज हु अंडरस्टैंड यू, दोज हु रिस्पेक्ट यू, दोज हु हैव सम फीलिंग्स फॉर यू.